कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार साल 2020 के अंत में भारत में पहचाना गया था। अब ये वेरिएंट प्रमुख तनाव का कारण बन गया है और कम से कम 111 देशों में फैल गया है। कोविड वायरस का डेल्टा वेरिएंट अपने पूर्ववर्ती अल्फा वेरिएंट से 40 से 60 फीसदी ज्यादा संक्रामक है और ये अब तक ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर आदि देशों में फैल चुका है। कोविड 19 के B.1.617.2 को डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है। पहली बार इसकी शिनाख्त भारत में अक्टूबर 2020 में की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे देश में दूसरी लहर के लिए यही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। आज नए कोविड के 80% मामले इसी वेरिएंट की देन है। ये महाराष्ट्र में उभरा और वहां से घूमता हुआ पश्चिमी राज्यों से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ा, फिर देश के मध्य भाग में और पूर्वोत्तर राज्यों में फैल गया। आखिर कैसे तेजी से फैल रहा है ये वेरिएंट? वायरस ने आबादी के उस हिस्से को संक्रमित करना शुरू कर दिया है जो हिस्से सबसे जोखिम वाला है। संक्रमित के संपर्क में आने वालों को भी वो पकड़ता है। आबादी के एक बड़े हिस्से को संक्रमित करने के बाद वो कम होने लगता है और जब संक्रमण के बाद पैदा होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है तो वो फिर वार करता है। अगर नए और ज्यादा संक्रमण वाले वेरिएंट पैदा हुए तो मामले बढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगली लहर उस वायरस वेरिएंट की वजह से आएगी जिसके सामने आबादी का अच्छा खासा हिस्सा ज्यादातर कमजोर साबित होगा। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।